अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टडी कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स को, और उसमें हमने बात की थी कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं। मिसाल के तौर पे तमाम एनिमल्स के अंदर सबसे पहला स्टेप जो है वो गैमीट फॉर्मेशन का है, जिसके दौरान में एग और स्पर्म बनते हैं। फिर दूसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन का है, जिसमें एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट जो है उसके अंदर क्लीविज डिविजन्स होती हैं, जिसके नतीजे में एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है, जिसको हम मोरूला कहते हैं। फिर उस मोरूला के अंदर एक कैविटी बन जाती है, और इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और इस स्टेज को हम ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। और हमने बात की थी कि ब्लास्टूला के अंदर बेसिकली ये जो ब्लास्टूला होता है चिक का, वो एक डिस्क की फॉर्म में होता है, जिसको हम ब्लास्टो डिस्क कहते हैं। और ये डिस्क जो है ये योक के ऊपर टॉप पे मौजूद होती है, और ये बेसिकली सिर्फ दो सेल लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। एक ये ऊपर वाली लेयर है और एक ये नीचे वाली लेयर है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं, और नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो टू लेयर स्टेज है, ब्लास्टूला स्टेज है, ये कन्वर्ट हो जाएगी थ्री लेयर स्टेज में। ये दो लेयर्स आपस में रीअरेंज होके तीन लेयर्स बनाएंगी, और इस दौरान में सेल्स जो हैं वो तरतीब इनकी थोड़ी सी चेंज होगी, रीअरेंजमेंट होगी, तो सेल्स मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। और इस दौरान होता क्या है कि ये जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं ये मूव करते हैं और आके दरमियान में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, और ये दरमियान में ये सेल्स एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। और इसके नतीजे में दरमियान में एक लाइन आपको नजर आती है, जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स की वजह से बनती है सेंटर में। और फिर क्या होता है कि यहाँ से सेल्स मूव करके एपीब्लास्ट से नीचे निकल जाते हैं। ये जो ब्लास्टोसील कैविटी है, ये सेल्स इधर आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, और इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो हाइपोब्लास्ट के अंदर जाके एंडोडर्म बनाते हैं, और कुछ सेल्स जो हैं वो ब्लास्टोसील के अंदर ही जमा हो के मीजोडर्म बनाना शुरू कर देते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या है, बेसिकली मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स है। एपीब्लास्ट से सेल्स मूव करके जा रहे हैं, कुछ सेल्स मीजोडर्म बना रहे हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो एंडोडर्म बना रहे हैं। तो गैस्ट्रुलेशन के एंड में अल्टीमेटली ये जो सेल्स हैं ये तीन लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। एक ये अपर मोस्ट लेयर है, जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और एक दरमियान वाली लेयर है, जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं, और एक सबसे नीचे वाली लेयर है, जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तीन लेयर्स बन जाती हैं गैस्ट्रुला स्टेज में। इसी को अगर हम देखें टॉप से, अभी हमने जो पीछे तस्वीरें देखी हैं वो क्रॉस सेक्शन में थी, तो अगर आप टॉप से देखें योक के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये योक के, अगर ये योक है, इसके ऊपर ये एरिया पेलुसिडा है, तो एरिया पेलुसिडा के अंदर प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक आहिस्ता आहिस्ता लंबाई में बढ़ती जाएगी, और ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरी जो है एरिया पेलुसिडा में लंबी सी एक लाइन बन जाएगी। और ये एरिया पेलुसिडा जो पहले तकरीबन गोल था, अब पियर शेप्ड हो जाएगा, थोड़ा सा लंबूतरा सा हो जाएगा। और इसके अंदर जब सेल्स यहाँ पे से सेल्स नीचे चले जाएंगे, एपीब्लास्ट में से नीचे जाके हाइपोब्लास्ट या मीजोडर्म का हिस्सा बनेंगे, तो उस वक्त यहाँ पे एक गहरी सी लाइन, ये जो लाइन थी ये थोड़ी गहरी सी हो जाएगी सेल्स, क्योंकि इसमें से नीचे चले गए हैं, तो इसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। और प्रिमिटिव ग्रूव के दोनों तरफ के जो मार्जिन हैं ये किसी हद तक थोड़े से, ये यहाँ पे जो सेल्स हैं ये जरा तादाद में ज्यादा होते हैं, तो ये मार्जिन थिक होते हैं, और इन मार्जिन को हम प्रिमिटिव रिज कहते हैं। रिज का मतलब होता है उभार या किनारा, तो प्रिमिटिव रिज जो है ये थोड़ी सी दोनों तरफ जो है प्रिमिटिव रिजेस बन जाती हैं, और दरमियान में प्रिमिटिव ग्रूव होती है जो थोड़ी सी गहरी होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीजन जो इस वक्त यहाँ पे बनता है उसको हम हेंसेंस नोड कहते हैं। इसके अंदर क्या है
ये जहाँ पे प्रिमिटिव ग्रूव के एक तरफ जो है हेड बनना है, हेड के नजदीक एक थिक सा रीजन नमूदार होता है जिसको हम हेंसेंस नोड कहते हैं, और यहाँ पे भी सेल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और ये इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे बात जाके करेंगे। इसके अलावा एक और गैस्ट्रुलेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नेक्स्ट शुरू होता है वो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन है। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन में नोटोकॉर्ड बनती है। नोटोकॉर्ड जो है ये कॉर्डेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। कॉर्डेट्स हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, और ये नोटोकॉर्ड्स के अंदर ह्यूमंस भी आ जाते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स और मैमल्स और ये तमाम जो है ये कॉर्डेट्स हैं। तो कॉर्डेट इनको हम कहते क्यों है, क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद है। ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, ये एक रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक लंबी सी रॉड होती है जो लंबाई के रुख ये प्रिमिटिव ग्रूव के नीचे बनती है। हमने देखा था कि वो जो एरिया पेलुसिडा है वो थोड़ा सा लंबा सा था, और यहाँ पे प्रिमिटिव रिज बनी थी, प्रिमिटिव ग्रूव बनी थी। तो इस प्रिमिटिव ग्रूव के नीचे एक इस तरह की नोटोकॉर्ड सेल्स की माइग्रेशन से, एपिब्लास्ट से जो सेल्स आ रहे हैं वो एक रॉड सी बनती है। और इस रॉड का फंक्शन क्या है, इस रॉड का फंक्शन है कि ये सेल्स को सपोर्ट, ये एम्ब्रियो को सॉरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बनती कैसे है, एक्टोडर्म के सेल्स जो माइग्रेट करके ऊपर से नीचे चले गए थे उन्हीं से ही ये नोटोकॉर्ड बनती है, और रॉड लाइक होती है शेप में, और 18 आर इंक्यूबेशन के 18 घंटे के बाद सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो के अंदर नजर आ रहा होता है वो यही नोटोकॉर्ड होती है। इसके अलावा जो ब्लास्टोसील थी वो काफी हद तक अब खत्म हो चुकी है, और इसकी जगह पे एक और कैविटी नमूदार होती है जिसको हम गैस्ट्रोसील कहते हैं। गैस्ट्रो कहते हैं पेट को, तो उसी से गैस्ट्रोसील बन जाती है। और इसके अलावा गैस्ट्रोसील को हम प्रिमिटिव गट भी कहते हैं। प्रिमिटिव का लफ्ज़ी मतलब होता है कदीम, पुराना या सबसे पहला, शुरू वाला। तो प्रिमिटिव गट ये बन जाती है ब्लास्टोसील से। इसके अलावा जो है हेंसेंस नोड की हमने बात की थी कि हेंसेंस नोड से जो सेल्स माइग्रेट करके एपिब्लास्ट से वो नीचे जा रहे हैं, मीजोडर्म बना रहे हैं, वो डॉर्सल मीजोडर्म बनाते हैं, और डॉर्सल मीजोडर्म से सोमाइट्स बनते हैं। सोमाइट्स क्या होते हैं, सोमाइट्स बेसिकली पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे से मीजोडर्म के, जो न्यूरल ट्यूब के दोनों तरफ बन रहे होते हैं। और ये वक्त गुजरने के साथ साथ सोमाइट्स की तादाद आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सोमाइट्स जो है वो तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, और ये पूरी लंबाई के रूप सोमाइट्स जो है वो जमा हो जाते हैं। ये मीजोडर्म के छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं जो एपिडर्म के नीचे मौजूद होते हैं, और एक्टोडर्म के सॉरी नीचे मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या है, कि इनका काम है कि ये बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिवर बनाएंगे, इनसे हार्ट बनेगा और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनेंगे। ये नजर कब आना शुरू होते हैं, ये इंक्यूबेशन के तकरीबन 25 से 26 घंटे के बाद आपको सोमाइट्स एम्ब्रियो के अंदर नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मीजोडर्म से एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लेटरल प्लेट मीजोडर्म कहते हैं। लेटरल प्लेट मीजोडर्म दो लेयर्स में अरेंज हो जाती है, एक लेयर को हम सोमैटिक मीजोडर्म कहते हैं और दूसरी को स्प्लैंकनिक मीजोडर्म कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान में एक कैविटी बन जाती है जिसको सिलोम कहते हैं। ये सिलोम वही कैविटी है जिसकी बेस पे आपने फर्स्ट ईयर में एनिमल्स को डिवाइड किया था, ए सिलोमेट्स, सूडो सिलोमेट्स और सिलोमेट्स में। तो ये सिलोम कैविटी है, और ये रिलेटिवली एडवांस्ड एनिमल्स के अंदर ये सिलोम मौजूद होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है वो है न्यूरुलेशन का। जब नोटोकॉर्ड बन जाती है तो न्यूरो नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म मौजूद थी उसके कुछ सेल्स मोटे और जरा सख्त से होके एक प्लेट की फॉर्म में एक बैंड बना लेते हैं नोटोकॉर्ड के ऊपर। इस बैंड को हम न्यूरल प्लेट कहते हैं, और ये न्यूरल प्लेट जो है ये काफी मजबूत सी एक लेयर ऊपर बनी हुई होती है नोटोकॉर्ड के। शुरू में ये फ्लैट नजर आती है 18 आवर स्टेज पे, लेकिन तकरीबन 18 या 21 घंटे गुजरने के बाद ये प्लेट जो है वो नीचे की तरफ धंसना शुरू कर देती है, ये इस तरफ को नीचे मुड़ना शुरू कर देती है, और इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं। तो
ये नीचे धंसने से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको न्यूरल ग्रूव कहते हैं, और ये डॉर्सल रीजन में कमर वाली साइड पे बनना शुरू होती है एम्ब्रियो के, और 24 घंटे के वक्त, ये इंक्यूबेशन के 24 घंटे बाद ये बड़ी क्लियरली आपको नजर आ रही होती है। इस स्टेज पे जब यहाँ पे न्यूरल ग्रूव मौजूद है हम एम्ब्रियो को न्यूरुला कहते हैं, और इसके बाद जो है न्यूरल प्लेट मिड रीजन से नीचे की तरफ धंसना शुरू कर देती है, और दोनों तरफ ये जो एक्टोडर्म के हिस्से हैं न्यूरल फोल्ड्स, ये न्यूरल फोल्ड्स दोनों एक दूसरे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ ये मिल जाते हैं, और नीचे से ये जो न्यूरल ग्रूव नीचे को धंस रही थी वो जो है एक ट्यूब बना लेती है, और इस ये ट्यूब जो है अंदर से खोखली होती है और इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम न्यूरो सील कहते हैं, और ये शुरू में दोनों को किनारों से यहाँ से भी और पीछे से भी खुली हुई होती है, ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम न्यूरोपोर्स कहते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे वाले और पीछे वाले न्यूरोपोर्स, ये बाद में न्यूरोपोर्स क्लोज हो जाते हैं, और ये ट्यूब जो है आगे चल के इस ट्यूब का एंटीरियर एंड जो है आगे वाला हिस्सा जो है वो ब्रेन बनाता है न्यूरल ट्यूब से, और न्यूरल ट्यूब का बाकी का पीछे वाला सारा हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। तो इस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक पार्ट्स भी आ जाते हैं। इस यहाँ पे अब आप देखें तो बेसिक बॉडी प्लान जो है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सेल्स हैं वो तीन मेजर लेयर्स के अंदर डिवाइडेड हैं। ये ब्लू कलर में आपको एक्टोडर्म नजर आ रही है। एक्टोडर्म जो है उसने यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बनाई है जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना है। इसके अलावा एक्टोडर्म ने आपके स्किन बनानी है, ये जो ये ब्लू कलर के आपके सेल्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मीजोडर्म मौजूद है। मीजोडर्म ने एक तो नोटोकॉर्ड बनाई है, ज्यादातर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड खत्म हो जाती है, कुछ में ये पहले कुछ अरसे तक पूरी लाइफ तक मौजूद रहती है, बाकियों में कुछ अरसे बाद एम्ब्रियो के कुछ अरसे बाद ये खत्म हो जाती है। इसके अलावा मीजोडर्म से सोमाइट्स बने हैं। इन सोमाइट्स से मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मसलन हार्ट वगैरह बनने हैं। इसके अलावा ये सोमाइट्स, ये जो मीजोडर्म है इसने दरमियान में एक कैविटी बनाई है, इस कैविटी को हम सिलोम कहते हैं। फिर इसके अलावा ये जो है सबसे अंदर की तरफ जो है वो एंडोडर्म है, और ये एंडोडर्म जो है इसने एक ये अंदर की तरफ कैविटी बना दी है, इस कैविटी को हम आर्केंटिरॉन कहते हैं, आर्च कहते हैं सबसे बड़ा, एंट्रॉन कहते हैं आंत को, ये आंत है यानी कि इंटेस्टाइन कह लें या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये। तो बेसिकली ये न्यूरल ट्यूब जो है वो हेड रीजन में यहाँ पे फोल्ड होके ब्रेन बनाएगी, इसके अलावा ये पूरी बॉडी के लेंथ के अलोंग जो है वो आपकी नर्व कॉर्ड बनाएगी, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पे नोटोकॉर्ड मौजूद है जो इस एम्ब्रियो को सख्ती मजबूती प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सोमाइट्स हल्की हल्की लाइंस नजर आ रही हैं, ये सोमाइट्स हैं। कुछ बुनियादी ऑर्गन्स हार्ट वगैरह बनना शुरू हो गया है, वेन्स आपको नजर आ रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्गन्स जो है वो डेवेलप होना शुरू हो जाते हैं, और यूं ये चिक जो है वो 21 डेज बाद एग से हैच होके बाहर आ जाता है, और ये ग्रोथ जो है उसके बाद कंटिन्यू रहती है। बेसिक ऑर्गन सारे उसके बन चुके होते हैं, सिर्फ ग्रो करके वो एडल्ट जो है चिकन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जो है वो बेसिकली रीअरेंजमेंट और मूवमेंट ऑफ सेल्स को हम कहते हैं, जिसके नतीजे में सेल्स तीन लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसके अलावा गैस्ट्रुलेशन के दौरान में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं इनको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक और हेंसेंस नोड कहते हैं। इसके अलावा नोटोकॉर्ड बनती है मीजोडर्मल सेल्स से, नोटोकॉर्ड मजबूती प्रोवाइड करती है, कॉर्डेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा मीजोडर्म से सोमाइट्स बनते हैं जिनसे तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनते हैं। इसके अलावा न्यूरुलेशन होती है, न्यूरुलेशन के दौरान में एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम न्यूरल ट्यूब बनता है जिससे आगे चल के नर्वस सिस्टम बनना है। थैंक यू।